नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल भारद्वाज। मैं हूँ शिवानी। गाइस, वेलकम आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन रिएक्शन वाला वाला कपल। कपल। तो गाइस, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं युखानों के व्लॉग से लाहौर में ट्विस्ट। तो लाहौर में क्या ट्विस्ट है देखेंगे। मतलब इन्होंने ना टाइटल ही ऐसा दिया कि थोड़ा ना वो कर दिया, ट्विस्ट ही लगा। सस्पेंस सस्पेंस डाल दिया। लाहौर में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट! चलो गाइस देखते हैं क्या है। स्टार्ट। लाहौर, सही कहते हैं, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमी नहीं। लाहौर था उर्दू में। 2002 में मैं पिशावर से लाहौर शिफ्ट हो गया और तब से मैं लाहौर का ही बन के रह गया। यहाँ के खेत, यहाँ की कनाल और यहाँ की मोहर इमारतें, बस पाकिस्तान से मोहब्बत और लाहौर से इश्क सा हो गया है। तू बड़ा लॉरी है, पठान है तू, वापस पेशावर चला जा। लॉरी असल में मैं हूँ, आ जा, खाने की कंपटीशन लगा मेरे साथ। लॉरी जो है ना वो खाना खाते हैं, तो अगर तू खाना ना खा पाए ना तो असल में तू तू फिर लॉरी नहीं है। अच्छा है, मरवा ये। यार मोरू साहब ब्लॉगिंग नहीं कर रहा, हमारा फुल चैलेंज चल रहा है। सो मोरू साहब वर्सेस माय फैंस, हम थोड़ी देर तक नीचे आएंगे, अपने अपने कुछ फजूल टैलेंट के साथ 2000 रुपए इकट्ठे करने हमने। तो मोरू साहब जी बन के दिखाएगा, मैं रबाब बजाऊंगा और आपने जिसमें जिसने पहले 2000 रुपए जितनी जमा कर ली वो फैंस को खाना खिलाएगा। अभी हम बैठ के अपने पैसे गिनेंगे कितने हमने इकट्ठे किए। फ्री में हग जो है वो ज़्यादा डिमांड में मुझे लग रहा है। ये बात गुड लुक्स आजकल डिमांड में नहीं है। गुड लुक्स मैंने वो चेंज कर दिया उनका बोर्ड पर से। अच्छा ये आपका झूठ मैं पकड़वा दूँ, ये देखें ये इस तरह का आ जाता था ना। बात भी देखो सही जा रहा था मैं, बस एक अंकल मुझे एक अंकल से मैं जीता जिन्हें 5000 रुपये सीधा। क्या रूल है यार? अब चैलेंज नंबर 2 ये है कि इन पैसों को हमने फैंस के लिए खाना लेना है और सबसे ज्यादा फैंस को जो खाना खिला देगा वो जीत जाएगा। तो सारी बात है जिसके पास ज्यादा पैसे वही ज्यादा खाना खिलाएगा। देयर इज अ ट्विस्ट, 15 मिनट सिर्फ खाना खरीदने के। ये नए रूल्स ऐड करता जा रहा है ताकि ये जीत जाए। मुझे बड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो मैंने सोचा अंडे वाला बर्गर क्यों ना लिया जाए, जो कि 250 में 3 बर्गर आपको मिलेंगे और ज्यादा ज्यादा फैंस को मैं खिला सकूंगा। यार देखो स्पाइसी खाना खाने के बाद जो है ना ट्राइफल शाइफल खाना चाहिए, फ्रूट चाट खाना चाहिए ताकि हाजमा बेहतर हो। फ्रूट इज गुड फॉर योर हेल्थ। और साथ में एक 7 अप। मेरे पैसे जल्दी खत्म हो गए हैं तो देखते हैं मोरू के पैसे भी जल्दी खत्म हुए कि नहीं। मोरू के पैसे इतने आराम से नहीं खत्म होते युखानो। मोरू भी अपना हिसाब कर रहा है और उसे पता चल रहा है कि इसके पास तो अभी 5000 रुपये हैं। ओह, ये तो वही 5000 रुपये जिनसे मैं जीता था। पैसे का नशा। हाय हाय हाय, लगता है ये राउंड भी मोरू जीत जाएगा।
लेकिन अपने फैंस का दिल कौन जीता? ये ले, मेरे हाथ से खाए आप। चैलेंज नंबर 2 खत्म हो गया, तो क्या थोड़ी खैर बाद में हम देख लेंगे कौन जीता, लेकिन ख्याल से तू जीती हो। पता नहीं अब कितना पड़ेगा। मैंने 6 शामी बन कबाब खिलाए हैं और 2 मैंने 2 ट्राइफल खिलाए हैं और 2 मैंने 7 अप खिलाए हैं। अच्छा, इस तरह अगर मकदार में गिनोगे तो शायद तो जीत गया, लेकिन मैंने बड़े बड़े चिकन के पीसेस खिलाए, ठीक है ना, और लोग मैंने बड़े अच्छे चुने, उन्हें यहीं बॉम्बे लोगों को खिलाया होगा। एक मसाला 7 अप और 1 स्पार्कलिंग जिमी। टाइम फॉर द फाइनल शोडाउन। अब पता चलेगा कि किस में है दम। पहले हम ये ड्रिंक डाउन करेंगे और उसके बाद मुकाबला होगा सबसे बड़े पेट का। जी हाँ, देखते हैं कौन सी टीम सबसे ज्यादा खाना खा सकती है। एक तरफ मोरू और एहसान डकी सिर्फ देखना है, दूसरी तरफ मैं और मंगी। मेरा टिड विखे। मेरी लत देख, लत। मेरा पेट चेक कर। ओ तुहाडी खैर होए। तो हो जाए मुकाबला। मैं आने वाला हूँ भाई, मैं टैग कर रहा हूँ अपने स्पेशल गेस्ट को। लकी, आई टैग यू एंड नॉमिनेट यू। लुकानों ने चीटिंग की। लुकानों ने चीटिंग की, चीटर। हेलो मी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, इस वक्त मैं फूड वॉर में बिजी हूँ। तो तीनों चैलेंजेस में हार गया और मैं मुरू को ये नहीं प्रूव कर पाया कि मैं असली लाहौरी हूँ और उनकी तरह खा सकता हूँ। बट यही तो खूबसूरती है इन फेस्टिवल्स की, दे ब्रिंग अस ऑल टुगेदर। तो क्या लाहौरी, क्या पठान, क्या बलोची और क्या सिंधी, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो सब एक ही जैसे लगते हैं। जबरदस्त, थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई पर मज़ेदार थी यार। मतलब जैसे इन दोनों ने, मैं तो खाने पे ही ध्यान था मेरा, तो सोच रहा यार मैं आंखों के सामने खाना ही नहीं जा रहा, तो इतना सही लग रहा था देख के। क्या क्या था वो कुछ समझ नहीं आया, बर्गर तो पता ही था जो भी था, दिल कर गया। अच्छा, हमारा फूड वगैरह सब थोड़ा सा अलग है ना इंडिया का और पाकिस्तान? नहीं, ऑलमोस्ट सेम है, वैसे सेम है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, थोड़ा बहुत, ऑलमोस्ट सेम है चीजें। अच्छा, हाँ, मेन जो मैं कह रहा था ना, मेन जो इन्होंने, मतलब वो होता है ना काउबॉय टाइप जो होता है, वो हैट पहन के वैसे घोड़े पे गन लगा के वैसे वाला फील दिया था इन्होंने, जाके चैलेंज दिया आपस में कौन पैसे इकट्ठे करता है। वो एक अंकल ने आके 5,000 रुपये दिए, भाई साहब, अंकल भाई पैसे 5,000 रुपये दे दिए एक बार में। मोरो का टैग बढ़िया था। हाँ, मोरो का टैग अच्छा था कि फ्री हग। फ्री हग। उकानो कुछ और लिखता ना तो मैं भी थोड़ा वैसा होता। पहले लिखा आई एम गुड लुकिंग बेबी और सेकंड हेल्प मी फॉर बीट मोरो। हाँ सही था, बहुत एंटरटेनमेंट।
था पूरी वीडियो में, एंटरटेनिंग थी. तो पहला क्या था उनका, पैसे इकट्ठे करना. पहला तो था पैसे, कौन पहले 2000 रुपए इकट्ठा करता है, और उसके बाद उन पैसों से अपने फैंस को खाना खिलाता है. खाना खिलाता है, और तो और यार अपने ही हाथ से चम्मच से खिला रहे हो और वो खिला रहे हो तो आप खा रहे हो. तो यही तो है गाइस, प्यार से ही तो फिर बंदे फिर आपके फैंस बनते रहते बनते रहते हैं. मैं कहीं सुन रहा था, मैं कोई बता दूँ एक कहानी, मैं कहीं सुन रहा था शाहरुख खान की, मैंने सुनी थी बात एक बार ना. शाहरुख खान गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है उसके. मतलब पूरे वर्ल्ड में 3 बिलियन से ज़्यादा लोग उसके फैन कह लो या उसे जानते हैं, कैसे मतलब आधी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की उस बंदे को जानती है. कैसे कैसे करके इतना बिजी बंदा है वो. और मैंने फिर भी सुना था वो जिससे भी मिलता है ना वो इतने प्यार से मिलता है, आराम से मिलता है. सपोज हम लोकल से बंदों से मिलेगा, इतने प्यार से मिलेगा, प्यार से मिलेगा, बात करेगा, आराम से प्यार करेगा और फिर एंड में चला जाएगा. ताकि जो भी बंदा उससे मिलेगा ना कहेगा यार हम शाहरुख खान से मिले और उसने इतने प्यार से हमसे बात करी, इतना किया. मतलब वो बंदा इतना बिजी होने के बाद भी अपना फैन बनाता चलता है, बनाता चलता है, तभी उसकी इतनी आधी दुनिया फैन है. मतलब वो उस टाइप का घमंड नहीं कि भाई घमंड नहीं, स्टारडम नहीं है क्या ही मैं. हालांकि इतना खरबपति अरबपति बंदा है, इतना पैसा, इतना फेम, इतना बड़ा नाम, कुछ हो गया. इतना बड़ा नाम उसके बाद भी बंदा है इतना डाउन टू अर्थ है. तो सेम मेरे को चीज दोनों में लगी कि अपने फैन से कैसे अच्छे से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, ये चीज अच्छी लगी काफी ज्यादा. और मोरो ने क्या खिलाया, युकानो ने खिलाए थे बर्गर और सेवन अप. हाँ फ्रूट सैलेड सेवन अप. मोरो ने खिलाया बर्गर और चिकन का कोई पीस कर रहा था. यस चिकन का कुछ पीस. और दिल कर गया खाने खाने की बात मत करो. मोरो ने क्या कहा था कि मैंने तो चिकन भी अच्छे खासे ठाडे बन बड़े बड़े पीस. तुमने कोई भोपू भोपू जो तो भी इन्होंने वो मतलब जो शूट किया वो भी काफी अच्छा किया. बीच में एक ड्रोन शॉट भी थे, वो भी ड्रोन शॉट था. और वो जो फूड की जो फुटेज ली उन्होंने, बिल्कुल वही मैं कह रहा था. वो कैसे इतनी पास से खाना बन रहा है या खाना सर्व हो रहा है, उसके इतने पास से कैमरा लेके चला दिया. वो चीज वो बहुत अच्छी एडिटिंग होती है सच में. ये बात तो है, फोटोग्राफी अच्छी होती है, एडिटिंग तो बात की बात है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है. नहीं वो तो है, और कब कहाँ कौन सी इमेज प्लेस करनी है, कंपोजिटिंग कहते हैं उसे, वो चीज. हाँ वो चीज बढ़िया है, एडिटिंग प्लस कंपोजिटिंग दोनों. ये चीज जबरदस्त है. और थर्ड वन क्या था, एक तो खाना खाने का, खाना 15 मिनट का टाइम था शायद ना. वो दो थे और वहाँ वो दो थे ऐसे ऐसे. हाँ, और डकी भाई मुझे लग रहा था कि उकानो जीत जाएगा क्योंकि जो पतले बंदे होते ना वो ज्यादा खाते हैं. हाँ, उकानो पतला था और साथ में एक और बंदा बैठा तो बिल्कुल ही पतला था वो. मैं लगा ज्यादा खाएगा वो, पतले बंदे बहुत खाते हैं, ज्यादा खाते हैं. मंगी ने ज्यादा खाया है उकानो से. हाँ पहले आ गया, फिर उसके बाद डकी भाई आ गया. बट फिर भी जीते वो दोनों. वो जो दूसरा मोरो के साथ जो भाई था दूसरा, वो हाँ. तो भाई सारा चट कर दिया. आंधो 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 सब आंधो. ऐसे होना चाहिए कंपटीशन में, तो अपना पूरी जी जान, कोई गेम में कंपटीशन में पूरी जी जान लगा तो जीतना है भाई, कुछ भी करके पेट हिला दो. बाद में पेट पकड़ के बैठ दो कोई दिक्कत नहीं, बट उस टाइम जीत जाओ. ये नहीं साथ में सिप लेते रहो ना कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक की कोल्ड ड्रिंक की तो खाया जाता है एक आधी से. ये भी तो क्या टेक्निक होती है, ऐसी बात नहीं है. काफी लोग कैसे होते हैं जो खाने के साथ पीते हैं ना पेट भर जाता है. हाँ. बट नहीं इसमें वो होता है ना सोडा होता है तो वो डाइजेस्ट करता रहता है साथ के साथ तो थोड़ा हल्का होता जाता है. अच्छा अगर नॉर्मल पानी पियो ना तो फिर भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है खाने के साथ. मैं एक बार यूट्यूब पे क्लिप देख रहा था, एक सिंगल बंदा इतना खा रहा था मतलब अंधा खा रहा था और एकदम पतला सा मस्कुलर सा बंदा था और कितना खा रहा था मैं क्या ही बताऊँ. 6-7 बंदे मिलके नहीं खा पाएंगे इतना वो खा रहा था अकेला बंदा. उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है वो, उसका डिस्कवरी पे गाइस वो भी आता है, शो भी आता है मैन वर्सेस फूड शायद वो ही बंदा है उसमें. हाँ वो एक उन्हें बीएड रखी हुई है बड़ी सी, बीएड उसकी इतनी बड़ी है और वो बंदा वो बहुत खाता है यार फूड हब में जाके. मतलब सारे बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं. 8-10 प्लेट्स बताओ. सही है गाइस, किसी मजा, किसी में वाकई बहुत टैलेंट होता था गाइस. मजा आ गया वाकई में यू खानो और मोरो की वीडियो में जबरदस्त. और ये लाहौर में कोई म्यूजिक इवेंट था में भी कोई फेस्ट था, ये बताना ये क्या फेस्ट होता है इसका, फेस्ट विद फूड हब. और यहां भी होता है क्या? हां फूड हब वाला समथिंग. फेस्ट में तो फिर खाना होगा ना, सब कुछ होगा फेस्ट है तो हर चीज होगी. यहां भी होता है
मैं गई नहीं ना अभी गाइस शादी हो गई, अभी एक साल ही हुआ है और उसमें से 6 महीने तो कोरोना के निकल गए तो 6 महीने में कुछ हो नहीं पाया अभी। हाँ। देखो कोरोना भी खत्म होता है इंडिया में तो धीरे धीरे घूमेंगे। तो और काफी सारे म्यूजिशियन थे, एक आतिफ असलम भी थे, आतिफ असलम था। हाँ हाँ अच्छा लगा मजेदार। बाकी चैलेंज मेनली बेसिकली क्या था, मोरो ने किया था चैलेंज क्योंकि युकानो लाहौर शिफ्ट हुआ है ना। हाँ। तो भाई आजा देखते हैं लाहौर ही है तू के नहीं नहीं तो तू भाग जा वापस सही, सही था वो स्टार्टिंग में हेलमेट लेके बोल रहा था। एंडिंग लाइन युकानो की अच्छी लगी कि लाहौरी या फिर पेशावरी जो भी लैंग्वेजेस होती हैं वो सब तो बाद में, बट वो कह रहा कुछ भी नहीं मतलब। हाँ। कंट्री पहले आप, तुम ये सब बाद में हो, तुम कोई लाहौरी कोई पेशावरी मतलब कोई सिंधी नहीं, पहले कंट्री उसके बाद तुम अपना जो करना करते रहो, पहले तुम कह लो एक तरह से पाकिस्तान। सबके स्माइलिंग फेस दिखा के मतलब सारे हंसते हुए तो सेम ही लगते हैं, चाहे वो लाहौरी तो हो या कोई और रोते हुए भी सेम ही लगते हैं, सबका खून भी ऑलमोस्ट लाल ही होता है, वो तो सही, वो तो फैक्टेड बात है चीजें। सबसे मतलब सबसे पहले इंसान, बाकी सब बाद में। तो बढ़िया थी, मजेदार एकदम एंटरटेनमेंट। तो गाइस अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और प्लीज यू खानों को आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।